आंदोलन किया, हम ये गंदा देख गया, सेव किया, हम प्राइवेटाइजेशन का पतला जलाया, काला झंडा का डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमने बहुत किया लोकल लेवल में, लेकिन लोकल लेवल में हम कर रहा तो हमारा मतलब कोई मालूम है, पब्लिक को कैसे मालूम? अरे भंडारा में हम गेट मीटिंग कर रहा है, हमको कौन सुन रहा है? भंडारा का वर्कर सुन रहा है, भंडारा का एम्प्लॉई सुन रहा है, अब पब्लिक को क्या मालूम है? ऐसा पूरा हिंदुस्तान में हम कोई भी फैक्ट्री का, कोई भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट का सामने आंदोलन करेगा, उधर का वर्कर को मालूम है, पब्लिक को क्या मालूम है? पब्लिक के सामने इसको हम कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए दिल्ली का अलावा कोई जगह नहीं है, राजधानी का अलावा, इंद्रप्रस्थ का अलावा हमारा पास दूसरा कोई जगह नहीं है। कारण वो पार्लियामेंट का सामने है, जंदर मंदर पार्लियामेंट का बगल में है। एक दिन उधर 50 का ऊपर अलग अलग आंदोलन चलता है, सभी मीडिया लोग आता है, पब्लिक भी आता है, आईबी का थ्रू सरकार को भी डे टू डे वीडियो रिकॉर्डिंग, हमारा भाषण सब सरकार को भी पहुंचेंगे। ये हमारा नंबर वन उद्देश्य है। नंबर टू हमारा उद्देश्य है, पार्लियामेंट का सेशन है, सभी पॉलिटिकल नेता लोग दिल्ली में ही रहेगा, उन सबको मिलेंगे, उन सबके सामने एक सवाल रखेंगे, बाबा आपका पार्टी डिफेंस का माल प्राइवेटाइज करने का पक्ष में है, नहीं तो सरकार बनाने का पक्ष में है, बताओ। कॉमरेड्स, आप बिलीव नहीं करेगा, हम 150 का ऊपर एमपी लोगों को मिला दिल्ली में इस 45 दिन में, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला इंक्लूडिंग बीजेपी। हमको क्या है? हम कोई पार्टी का आदमी नहीं है, हम डिफेंस कर्मचारी है, डिफेंस कर्मचारी का ट्रेड यूनियन है, डिफेंस के लिए हम फाइट कर रहा, हमको कोई राजनीति कुछ नहीं, हम बहुत बीजेपी एमपी को भी मिले। सुनने का तैयार है तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो घर जाके बैठेगा। अब क्यों रुका? कौन जाना है जाने दो, कौन रुका है रुकने दो। कॉमरेड्स, अभी परिस्थिति ऐसा हो चुका है, आर्टन फैक्ट्री को कैसे भी बर्बाद करो, कैसे भी खत्म करो, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। इतना कॉमरेड अभी घर जा रहा है, उनको भी समझ में आना चाहिए आर्टन फैक्ट्री के खिलाफ में कितना आज अटैक चल रहा है। हम 37 डेज क्यों अंडरस्ट्राइक करता दिल्ली में? हमारा क्या जरूरत था? हम 45 दिन दिल्ली में ही था, घर छोड़ के, फैमिली छोड़ के 45 दिन दिल्ली में था। जुलाई 1 तारीख को लेके जुलाई 11 अगस्त 11 तारीख तक हम एक रिटायर आती है, हमारा क्या जरूरत है? आराम से पेंशन लेके घर में बैठ के लाइफ एंजॉय कर सकता था, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकता। पेंशन लेके घर में बैठ के लाइफ एंजॉय कर सकता था, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकता। एक 215 ईयर्स ऑर्गेनाइजेशन को, 215 साल का इंडस्ट्री को एक सरकार आके उसको पूरा खत्म कर रहा है, हमारा काम पूरा अंबानी अदानी को दे रहा है, हम कैसे चुप बैठ सकता है? आप सबको मालूम है आज भी काम लगते हैं, जनवरी महीने में क्या चिट्ठी आया प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से, उन्होंने भी कन्विंस किया, उन्होंने बोला यह गलत डिसीजन है, डिफेंस का प्राइवेटाइजेशन हमारा देश का सुरक्षा का खिलाफ में है, लेकिन हम आपको कोई मदद नहीं कर सकता, कारण हमारा पार्टी में एक ही आदमी भाषण करता है, दूसरा पार्टी कुछ नहीं बोल सकता, मुंह ओपन नहीं कर सकता। सो हम कैसे आपको मदद करेंगे? हम तो रूलिंग पार्टी का एमपी है, सरकार का खिलाफ में पार्लियामेंट में भाषण नहीं बोल सकता, हमारा पार्टी का फोरम में भी हम सरकार का पॉलिसी का खिलाफ में भाषण नहीं कर सकता। पर हमने बोला फिर आप हमको क्या मदद करेंगे? आधा घंटा हम लोग से बात किया आपकी, हम नाम नहीं बोल रहा हूं, वो गलत है, उनको अंदर से सर्वे हम एक्सपोज नहीं कर सकता। पूछा फिर अब क्या, हमको क्या मदद करेगा? तो बोला एक एमपी बोला आपको कोई फाइनेंस चाहिए तो बोलिए। हमने बोला हम लोग किसी से फाइनेंस नहीं लेता, हम वर्कर से 1 रुपया चंदा करके काम करता है, किसी पॉलिटिशियन के कॉन्ट्रैक्टर से प्राइवेट कंपनी से पैसा लेने वाला फेडरेशन नहीं है हमारा, पैसा हमको 1 पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। उन्होंने बोला ऐसा कोई मौका हमको कोई हमारा पार्टी में
बात करने का मौका मिलेगा तो हम बताएं कि नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी छोड़ के हम शिवसेना को भी मिला, उनका भी पार्टनर है शिवसेना। लेकिन शिवसेना का दोनों एमपी कॉमरेड, एक आपका नागपुर का है एक पूना का है, दोनों हमारा मंच में आया, भाषण भी किया पार्लियामेंट का अंदर सरकार का नीति में भाषण भी किया। हमको क्या प्रॉब्लम है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कॉमरेड राजा राज्यसभा मेंबर 20 मिनट पार्लियामेंट में इसके बारे में बात किया। कॉमरेड तपन चंद सीपीएम का एमपी है वो बात किया, शरद यादव ने बात किया, दिग्विजय सिंह ने बात किया, आनंद शर्मा ने बात किया, तमिलनाडु का एडीएमके का 5 एमपी बात किया, डीएमके का 1 एमपी बात किया। कम से कम 25-30 एमपी लोग सरकार का इस नीति का खिलाफ में पार्लियामेंट में अल्लाह उल्ला किया। सरकार हमको बुलाया, सरकार ने पूछा आपसे बात ही नहीं करेगा, आपका सुनेगा भी नहीं है ये सरकार, आप दिल्ली में क्यों आ रहा। लेकिन इतना प्लांड वे में सिस्टमैटिक वे में हम लोग ने आंदोलन किया, यही सरकार 4 दफा हमसे बात किया इस 37 देश का अंदर। सबसे पहले डिफेंस सेक्रेटरी बुलाया, बातचीत किया, हम लोग को अपील किया, अरे बाबा उठा करो, बोलो नथिंग टू, हम क्यों उठा करेंगे, अब बोलो कोई नानकोर आइटम फैक्ट्री में क्या माल तैयार कर रहा है उसी में कोई भी आइटम नानकोर आइटम नहीं है, वो सब कोर आइटम है। अब बताओ खाली हम हमारा पंडाल उठा के चले जाएंगे, टेंट उठा के चले जाएंगे, दिल्ली में क्यों बैठेंगे इतना गर्मी में हम। उसके बाद बामरे ने बुलाया, डॉक्टर सुभाष बामरे रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने सीधा पूछा आप गंदर मंदर में बैठ के हमारा सरकार को बदनाम कर रहा है, चार्ज कर रहा था हम लोगों का ऊपर। मैं बोला हम लोग क्या बदनाम किया, लेकिन रोज आप मोदी साहब के खिलाफ में जेटली के खिलाफ में भाषण कर रहा है। हमने बोला हम लोग पर्सनली किसी का खिलाफ में भाषण नहीं किया, आप रिकॉर्ड देखो, मोदी साहब ने जेटली साहब ने हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का खिलाफ में